उसके दिल में चोट पहुंची है। उसको लगता है कि आपको संगनी जैसी लड़की अच्छी लगती है। लेकिन संगनी नाम की कोई भी लड़की जब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कैसी प्रॉब्लम, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे समझ नहीं आ रही यार। माना संगनी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन रागिनी की इनसिक्योरिटीज तो एग्जिस्ट करती है ना अनुराग जी। रागिनी के मन में हमेशा ये बात चलती रहती है कि उसने आपको जबरदस्ती से हासिल किया है और आपने संगनी की तरफ झुककर उसके इस कॉम्प्लेक्स को साबित कर दिया। जिंदगी में पहली बार उसे हीन भावना का एहसास हुआ है, उसे लगा कि वो हार गई। सृष्टि, मैंने रागिनी को समझाने की पूरी कोशिश की है, अपनी गलती मान ली, माफी मांग ली, सब कर लिया, पर क्या इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है क्या? मैंने तो सुना था कि प्यार की लड़ाई में हमेशा जीत प्यार की होती है, लेकिन यहाँ मैं क्यों हार गया? आप दोनों में से कोई नहीं हारा है और ना ही प्यार की लड़ाई खत्म हुई है। अनुराग जी, आपको उसे यह एहसास दिलाना होगा कि उससे बेहतर कोई नहीं है, कि आपको उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए, और जो रिश्ता उसने जबरदस्ती बनाया है उसे बनाए रखना अब आपकी जिद है। उसे ये बताने में ज्यादा देर मत कीजिएगा, पहले ही बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है। रिश्ते गलती से नहीं, गलतफहमी से टूटते हैं। तो ठीक है मिसेस अनुराग रागिनी सिंह, मैं तुमसे अपने प्यार का ऐसा इजहार करूंगा कि तुम जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाओगी और तुम्हारे दिल में सिर्फ एक ही नाम याद रह जाएगा और वो होगा अनुरागिनी। कहा बताया ठकुराइन, हम पटना गए थे, उन्हें पे हमको बीसु बाबू का खबर मिला, कलेजा धक से रह गया, उन्हें से रोते गाते आ रहे हैं। क्या हो गया ठकुराइन? बहुरानी, इन लोगों को अंदर बिठा हुआ है, हम ही दान दक्षिणा का काम निपटा के आते हैं। आप बैठिए अंदर। कहा ठकुराइन, तुम्हारे रहते तुम्हारे घर में ऐसा अधर्म,